सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कॉरल रॉक। देखिए, कॉरल रॉक इसलिए यूज किया जाता है, डिजाइनिंग करने के लिए यूज किया जाता है, लोगोस वगैरह डिजाइन करना, बैनर्स वगैरह वगैरह डिजाइन करना, पैनाफ्लेक्स या जो भी आपके डिजाइनिंग का सारा काम होता है, साइन बोर्ड्स वगैरह, ये इन सब कामों को करने के लिए आपका कॉरल रॉक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो चलिए हम कॉरल का फर्स्ट बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉरल किस तरह स्टार्ट किया जाता है, कैसे ओपन करते हैं और कैसे वर्क करते हैं कॉरल ड्रॉ में। सबसे पहले आप ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे, कॉरल ग्राफिक्स के अंदर जाके आपके पास बहुत सारे कॉरल्स आ रहे होंगे, तो इसमें से हमने सेलेक्ट करना है कॉरल ड्रॉ 11, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह का आपके पास स्क्रीन आएगी फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं। तो इन सब में से सबसे पहले आपने लेना है, इसमें से सिलेक्ट करना है न्यू ग्राफिक। न्यू ग्राफिक सिंपल पेज होता है कॉरल ड्रॉ का, जिसपे आप कुछ डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास पेज आ रहे हैं, इस पेज को यहाँ पे ड्राइंग एरिया कहते हैं। आप इस पेज का साइज भी सेट कर सकते हैं, पेजेस का हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। यहाँ से ये पेज का साइज है, A4 देना हो, कस्टम देना हो, लीगल देना हो, ये आप पर है कि आप पेज का क्या साइज देते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं, एग्जैक्ट साइज पेजेस इंचेस में दे सकते हैं, पिक्सेल्स में, मिलीमीटर्स में, फीट्स में, माइल्स में, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स में आप सेट कर सकते हैं, ये पेजेस के साइजेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें टूल्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ टूल्स नहीं आ रहे जिससे हम सारा का सारा काम करते हैं। तो आप जाएंगे विंडो के अंदर टूल बार्स, एंड टूल बार में जाके टूल बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। देखें आपके पास टूल बार्स आ गए, ये सारे टूल बार्स होते हैं जिनसे आप कॉरल में सारा का सारा काम करते हैं। और ये आपकी प्रॉपर्टी बार होती है, जो भी यहाँ से आप टूल सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से आपकी उन टूल्स की प्रॉपर्टी आ रही होती है। और ये होता है आपका जूम टूल। जूम टूल से जितना एरिया आप पेज में से सिलेक्ट करते हैं उतना एरिया आपका बड़ा हो जाता है, जूम हो जाता है, जिससे आप इजीली बड़ा करके काम कर सकते हैं। और की जो माउस का आपका स्क्रोल होता है लेफ्ट एंड राइट क्लिक के सेंटर में, आप उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो ये पेज का साइज तब भी आपका जूम इन जूम आउट होता है। और ये पिक टूल होते हैं और ये डिफरेंट टूल्स होते हैं काम करने के। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ये सबसे पहले ये देखें कलर प्लेट होती है जिनसे आप कलर सारे सेट करते हैं। अगर ये कलर प्लेट आपके पास ना आ रही हो तो आप विंडो में जाके कलर प्लेट्स में जाके डिफॉल्ट आरजीबी प्लेट ये कर लेंगे, तो इससे आपकी कलर प्लेट आ जाएगी इसके अंदर। ये देखें डिफरेंट कलर्स होते हैं जो भी आपने इसके अंदर कलर सेट करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल से। सबसे पहले जब हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगल को। जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देखिए जो भी हमने टूल लिया तो यहाँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी खुली हुई है आपके पास। जो भी हम टूल लेंगे उसकी प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगी, उन प्रॉपर्टी में आप इसका एग्जैक्ट साइज जो भी आपने बनाना वो आप साइज दे सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी हेयरलाइन चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट अभी बना रहे हैं रेक्टेंगल। इसके बाद हम इसका कलर देना चाहें तो कलर देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने लेना है पिक टूल। पिक टूल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन टूल कहलाता है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ से किसी भी कलर पे आप क्लिक कर देंगे। किसी भी कलर पे क्लिक करने का मतलब है कि ये कलर इस शेप के अंदर फिल हो जाएगा अगर हम किसी भी कलर पे क्लिक कर देंगे। तो ये पिकर टूल से आपने इसको पिक करना है पहले, यानी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट लाजमी करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ये जो बड़ा करके अगर आप देखें, इसके आपने राउंडेड क्या करने है, गोल कॉर्नर, सॉरी कॉर्नर गोल करने, राउंडेड करना है इस रेक्टेंगल को। तो जो ये सिलेक्शन टूल के पॉइंट्स के नीचे एक पॉइंट है, इसको कहा जाता है कर्व पॉइंट। इन कर्व पॉइंट से अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, रोटेट करेंगे, देखें तो ये राउंडेड में चेंज हो रहा है आपका रेक्टेंगल। ये देख इजीली आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आपने इसकी आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन देने के लिए यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी बार में हेयर लाइन का एक ऑप्शन आ रहा होगा। उस हेयर लाइन से यहाँ आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी आउटलाइन इसकी सेट करनी है। आउटलाइन आपके पास ब्लैक कलर की आई है, अगर आपने अपने हिसाब से कोई आउटलाइन का कलर देना है तो इन्हीं कलर्स पे देखें, अगर हम इस कलर पे सिंपल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर के अंदर का, सॉरी शेप के अंदर का कलर फेल हो रहा है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हमें इसके आउटलाइन का कलर देना है, तो आउटलाइन कलर देने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एक कलर पे के ऊपर जाके आप राइट क्लिक कर देंगे तो ये आउटलाइन का कलर आपका सेट हो जाएगा। किसी भी कलर पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे,
तो इससे क्या आता है, आपका आउटलाइन कलर सेट होता है। अब नेक्स्ट शेप की तरफ आएंगे, यहां से हमने लिया सिलेक्ट एलिप्स टूल। एलिप्स टूल जब आप लेते हैं तो इस तरह आप ये सर्कल ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ कर दें, पिक टूल से दोबारा आपने इसको पिक किया और यहाँ से कलर दे दिया। अब कलर देने के बाद अब मुझे इसको हाफ करना है, तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी बार में तीन ऑप्शंस आपके खुलेंगे, इसमें पाई है, उसके बाद आर्क है एंड पूरा एलिप्स है। और डायरेक्टली अगर आपने करना हो तो देखिए इस पॉइंट के नीचे एक पॉइंट आ रहा है, आपने इसको भी करके यहाँ से आप इसको हाफ कर सकते हैं। ये देखिए आपने आउटलाइन देनी हो तो राइट क्लिक कर देंगे, आउटलाइन आ जाएगी। पहले आउटलाइन नजर नहीं आ रही तो हेयरलाइन इंक्रीज कर देंगे, तब आपका आउटलाइन इसकी नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं आउटलाइन। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीगॉन टू। पॉलीगॉन लेंगे तो याद रखिए पॉलीगॉन के साथ आपका स्टार भी होता है। पॉलीगॉन लिया तो प्रॉपर्टी बार में आपके पास दो शेप्स आ रही है, पॉलीगॉन है एक स्टार है। अभी हमारे पास क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, पॉलीगॉन, तो हम पॉलीगॉन यहाँ से लेंगे और हमने इसको ड्रॉ किया। अब यहाँ देखिए पॉलीगॉन की क्या शक्ल है और यहाँ क्या ड्रॉ हुई है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हुए हैं, हमने इसके नंबर ऑफ साइड्स को डिक्रीज कर देना है, नॉर्मली 5 पॉइंट्स पे करना है, तो ये प्रॉपर एक पॉलीगॉन आपके पास बना हुआ आ जाएगा। और यहाँ से हमने कोई भी एक कलर ले लिया, कलर लेने के बाद अगर हम इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करते जाएंगे तो ये शेप चेंज, शक्ल चेंज करता जाएगा अपनी, तो ये जो कर्व पॉइंट्स इसके मजीद बढ़ते जाएंगे। अब आप इसको इंक्रीज करते जाएं तो ये देखिए ये बढ़ते जाएंगे मजीद, तो इन पॉइंट्स से अगर पकड़ के हम इसको अंदर की तरफ ड्रैग करें तो इस तरह ये डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट होता रहेगा आपका पॉलीगॉन। ये देखिए आप इसको घुमाते रहें उल्टा सीधा तो इससे डिजाइन बन जाता है आपका कुछ। अगर इसके मजीद नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे, राइट क्लिक किया आउटलाइन, ये देखें मजीद इसके इंक्रीज होते जाएंगे। इसी तरह अगर हमने स्टार के साथ लिया, स्टार लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ से हमने इस स्टार को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद कोई भी आप कलर दे देंगे इसमें, कलर देने के बाद नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज किया, इनको अंदर की तरफ ड्रैग कर दिया, अब आपने इनको रोटेट किया, ये देखिए यहां से भी आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं जितना आपने डिजाइन रखना। ये देखिए यहाँ पर डिजाइन आ जाएगा। आप कपड़ों वगैरह के लिए डिजाइन कर देते हैं तो आप इस तरह डिजाइन छोटे छोटे सिंपल बना के आप इसमें डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। और दूसरा सब आखिरी बात के हम क्या करते हैं इसमें, अगर हमें कोई बनी बनाई रेडीमेड शेप उठानी है इसके अंदर तो बहुत सारी शेप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है बेसिक शेप्स का, उसके बाद एरो शेप्स भी है, फ्लो चार्ट भी है, आपके पास स्टार शेप्स भी है एंड सेल आउट शेप्स भी है। बेसिक शेप्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी में एक परफेक्ट शेप्स का एक ऑप्शन आ रहा होता है, तो यहाँ से जब आप लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की शेप्स आपको मिल रही होती हैं, इनमें आपको बनी बनाई शेप्स मौजूद होती हैं। ये आपको इस तरह डिफरेंट शेप्स मिलती रहेंगी, बहुत सारी और शेप्स आएंगी जिनसे आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एरो के अंदर जाएंगे डिफरेंट शेप्स आती रही हैं। ये देखिए इस तरह बहुत सारी शेप्स आपको बनी बनाई मिल जाएंगी इसमें। ये देखिए आउटलाइन इंक्रीज करनी है, अब आउटलाइन का आप अगर आपने कोई भी डिजाइनिंग वगैरह देनी है तो यहाँ से आप आउटलाइन को डॉटेड में चेंज करना है, आप डॉटेड में कर सकते हैं। ये देखिए ये आउटलाइन इस तरह से भी आ सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर बेसिक फर्स्ट कोरल ड्रॉ का, कि आपने सिंपल शेप सीखी हो, कि कलरिंग वगैरह हो, कि आउटलाइन वगैरह कैसे देते हैं, कि किस तरह पेजेस का साइज वगैरह देते हैं, तो ये आपने सीखा आज। अब इसको पेज के अंदर कर ले सबको, तो जो भी आपका काम, अगर आपने प्रिंट करना हो काम का, जो भी आपका पेज के अंदर वर्क होता है तो वही हमेशा प्रिंट होता है, अगर आपका बाहर होगा पेज से वो प्रिंट नहीं होगा।